हेलो दोस्त, आज लेकर हम आए हैं आप लोग के लिए उच्चारण स्थान याद करने का हॉट ट्रिक या अनोखा ट्रिक बोलो, बस 5 मिनट में। सही लिखा हुआ है, 5 मिनट में। ठीक है, इसको पहले हम समझाते नहीं, पहले आप लोग को 2-3 बार पढ़ के सुना देते हैं कि आप लोग को ये दोहा की तरह याद हो जाए, ठीक है ना। और इसमें A to Z टोटल टोटल वर्ण का आप लोग को उच्चारण स्थान याद हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले 2-3 बार पढ़ के सुना देते हैं मेरा क्या है। देखो, ओकु बिसर कंठ राम, ओकु बिसर कंठ राम, इचियस भी है तालु राम, लटे पुकारो मुर्दा जी, लित्रस जानो दंत जी, उप आते हैं ओष्ट में, केवल वो डंष्टोष्ट में, ए कहे कंठे तालु ओ कंठोष्टम में, नासिका से पचमा अक्षर जीवा रखो प्रकोष्ठ में। फिर बोलते हैं दो बार पढ़े पढ़ देते हैं। ओकु बिसर कंठ राम, इचियस भी है तालु राम, लटे पुकारो मुर्दा जी, लिटरस जानो दंत जी, उप आते हैं ओष्ट में, केवल वो दंतोष्ट में, एक है कंठे टालु ओ औ कंठोष्टम में, नासिका से पचमा अक्षर जीवा रखो प्रकोष्ठ में। अब समझते हैं इसके बारे में उच्चारण स्थान क्या है। ओ का मतलब ओ आ, को का मतलब कवर्ग, कवर्ग यानी को, खो, गो, घो, अंगो, और विसर्ग के मतलब ये वाला विसर्ग। इतना का उच्चारण स्थान कंठ है। क्या है? ओ का मतलब ओ आ, को का मतलब कवर्ग यानी को, खो, गो, घो, अंगो, और हो भी है, ठीक है ना, हो। और विसर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। क्या है? कंठ। नहीं कहते हैं इच यस भी है तालु, तो ई का मतलब हर्षई दीर्घही, चो का मतलब चवर्ग, चवर्ग मतलब चो, छो, जो, झो, इया, ठीक है। और सो यानी तालम, सो का उच्चारण स्थान मेरा तालु है, ठीक है। अगला लेते हैं री, 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 और टो का मतलब टवर्ग, टवर्ग का मतलब टो, ठो, डो, ढो, नो, और रो का और मूर्धन सो का उच्चारण स्थान मेरा मूर्धा है। अगला लेते हैं लित्रस, ली, तो का मतलब तवर्ग, तवर्ग का मतलब तो, थो, दो, धो, नो, अलो का लो, और दंत सो का। इतना का उच्चारण स्थान मेरा क्या है? दांत है। क्या है? दांत। ऐसे जितना बता रहा उतने ही है, ठीक है ना, इससे अतिरिक्त और कोई दंत नहीं होगा और कोई मूर्धा नहीं होगा। आगे मेरा क्या है? उप, उप आते हैं ओष्ट में, उप आते हैं ओष्ट में, तो ऊ से हर्षऊ दुर्गऊ, ऊ से हर्षऊ दीर्घ ऊ। पो का मतलब पवर्ग, पो का मतलब पवर्ग, पवर्ग का मतलब पो, फो, बो, भो, मो का उच्चारण स्थान ओष्ट। क्या है? ओष्ट। केवल वो दंठोष्ट में, केवल वो दंठोष्ट में, तो वो का उच्चारण स्थान दो चीज़ मिलके, दांत और ओष्ट दोनों मिलके, इसलिए दंठोष्ट। ए कहे कंठे तालु, एक ए आई कहे कंठे तालु, मतलब ए और आई का उच्चारण स्थान दो मिलके, यानी कंठ और तालु दोनों मिलके, इसलिए कंठे तालु। औ कंठोष्टम में, ओ औ कंठोष्टम में, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ट दोनों है, इसलिए उसको एक साथ बोलते हैं कंठोष्टम। नासिका से पचमाक्षर, पचमाक्षर का मतलब जैसे अंगो, जैसे इया, जैसे मूर्धन्यो, जैसे दंतनो, ठीक है ना, जैसे मो, ये सब का उच्चारण स्थान नासिका भी है, नाक से, अंगो तो लगता है नाक से बोल रहे हैं, इया नाक से बोल रहे हैं, तो ये सब का उच्चारण स्थान नाक से भी है, ठीक है ना। तो आसान था ना यार करना? चलो एक बार देख लो आप लोग, 2-3 बार बस आप लोग को, 1 से 2-3 बार बस बोलिएगा, आप लोग को पूरा उच्चारण स्थान याद हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है, ठीक है ना। सिर्फ 1-2 बार सिर्फ बोलना है दोहा की तरह, ठीक है, और इसमें एक भी छूटा नहीं, उच्चारण स्थान आपका एक भी नहीं छूटा है, ठीक है। चलो बोलते 1-2 बार और। ओ कुबिसर कंठ राम, इच्छस भी है तालु राम, लिटस पुकारो मुर्दा जी, लिटस जानो दंत जी, उपाते हैं ओष्ट में, केवल वो दंतोष्ट में, एक है कंठे टालु ओ कंठोष्टम में, नासिका से पचमा अक्षर जीवा रखो प्रकोष्ठ में। फिर से एक बार। ओ कुबिसर कंठ राम, इच्छस भी है तालु राम, लिटस पुकारो मुर्दा जी, लिटस जानो दंत जी, उपाते हैं ओष्ट में, केवल वो दंतोष्ट में, एक है कंठे टालु ओ औ कंठोष्टम में, नासिका से पचमा अक्षर जीवा रखो प्रकोष्ठ में। इस प्रकार मेरा आपका उच्चारण स्थान कंप्लीट याद हुआ, बस 5 मिनट बोले, 5 मिनट से कम टाइम लगा, आप लोग को याद हो गया है, ठीक है ना। तो बताइए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कॉमेंट जरूर करें। थैंक्स।
अब मिलते हैं अगला वीडियो में।